इस वक्त है हम रायबरेली के दूरदर्शन रिले कैंप में और मेरे साथ हैं यहाँ के प्रभारी और एसईए केवी सिंह जी। मैं इनसे जानूंगा कि क्या ऑर्डर है इनके पास, ऑफिशियल ऑर्डर है इनके पास प्रसार भारती से रिगार्डिंग टेरेस्ट्रियल क्लोजर ऑफ रिले लिंक्स। सिंह साहब स्वागत है आपका ईटीवी में। जरा मुझे बताइए कि क्या ऑर्डर है और क्या आपका डिपार्टमेंट करने जा रहा है। दूरदर्शन महानिदेशालय नई दिल्ली के आदेश के अनुसार जो कि दिनांक 18 अक्टूबर 2018 को जारी हुआ है, यह दूरदर्शन रायबरेली का ट्रांसमीटर 17 नवंबर 2018 तक बंद कर देना है। आज 17 नवंबर 2018 को यह ट्रांसमीटर अंतिम प्रसारण के बाद स्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। सिंह साहब मुझे जरा ये बताएं कि इस का क्या इम्पैक्ट होगा आम जनमानस में, थोड़ा इसको विस्तार से बताएं टेक्निकल भाषा से। अलग दूरदर्शन के कार्यक्रम सामान्य रूप से जनता को डिश के माध्यम से डीडी डायरेक्ट प्लस जो फ्री डिश है उस पर सामान्यतः मिलते रहेंगे और लोग देख सकेंगे। अब ये चूंकि सारे ट्रांसमीटर डिजिटल में कन्वर्ट होने हैं तो वो एक लंबी प्रक्रिया है। रायबरेली का नाम भी उसमें प्रस्तावित है और ये डिजिटल ट्रांसमीटर। वो सही बात है सिंह साहब, लेकिन मुझे बताइए कि वो एक दौर था जो यागी एंटीना का, लोगों ने एंटीनों के जरिए देखा करते थे, दूरदर्शन खासा लोकप्रिय था, और इस पर्टिकुलर रिले सेंटर के बारे में बताइए इसकी स्थापना किसने की थी, किस वर्ष में, कब क्या था? इसकी स्थापना जुलाई 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा की गई थी और यहाँ की जनता को पहले लखनऊ का कार्यक्रम देखना पड़ता था जो बड़े बड़े एंटीना और बूस्टर के थ्रू देखते थे। यहाँ रिले सेंटर स्थापित हो जाने के बाद लोग छोटे एंटीना लगा के बड़े आराम से यहाँ के कार्यक्रम देख रहे थे। तब से यहाँ के ट्रांसमीटर जो है वो 100 वाट का VHF ट्रांसमीटर लगा था जो चैनल 10 पे चलता था। उसके बाद 2005 में नया ट्रांसमीटर फिर से लगाया गया UHF का चैनल 31 पे, वो तब से अब तक लगातार कार्यक्रम प्रसारित किया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एबी सिंह जी, इन्होंने मुझे बताया कि इसकी स्थापना वर्ष 1984 जुलाई में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी द्वारा हुई थी। राजीव गांधी व उनकी माँ का रायबरेली क्षेत्र से विशेष लगाव रहा है। रायबरेली हमेशा से कांग्रेस का और गांधी परिवार का गढ़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वो स्वर्णिम दौर में किए हुए कार्यों को प्रसार भारती और प्रसार भारती के रिमेनिंग जो स्टाफ हैं वो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि यागी एंटीना के जरिए ही टेरेस्ट्रियल मोड ट्रांसमिशन होता था और उसमें मनोरंजन का उस समय सीमित साधन थे और दूरदर्शन ही हर आदमी की रीच में पहुंचा था। ईटीवी भारत के लिए रायबरेली से प्रणव कुमार।